अचीवर्स इज़ अ शो अबाउट चाइल्ड हुड मोटिवेशन, जी यूथ जी मोटिवेशन. हम लोग आपसे जानना चाहेंगे कि मोइन अख्तर अपने बचपन में कैसे थे. बचपन में कुछ खास अच्छा नहीं था मैं. बहुत सीधा साधा सा था और शरारती नहीं था, ज़्यादा शरारती नहीं आप था. और शरारती नहीं थे. नहीं नहीं मतलब मेरे माँ बाप तो मुझे यही बताते हैं, मैं उनसे अभी भी पूछता हूँ कि आप बताइए कि मैं कैसा था. तो माई पेरेंट्स से कि आई वॉज अ वेरी वेल बिहेव चाइल्ड एंड इनोसेंट वन. मतलब ये कि कुछ मुझे खाने को दिया गया तो निकल जाता था घर से बाहर, और निकलने के बाद थोड़ी देर बाद आके अम्मा से फिर खाने को मांगता था. तो माँ ये कहती थी कि बेटा मैंने तो तुम्हें अभी तो खाने के लिए दिया है, तो कहाँ गया जो अभी तुम्हें दिया था. तो मैं यूँ इशारा करता था, तो माँ बाहर जाके देखती थी तो कोई दूसरा बच्चा खड़ा हुआ वो चीज़ खा रहा होता. तो वो आदत मुझ में बचपन की ऐसी बैठ गई है कि अब तक मुझ में ये आदत है कि सबको मिला के खाना, सब मतलब सबको मिला के खाने से मतलब आप रिश्वत मत समझिएगा. और मतलब ये सबको मिला के खाने से मुराद ये कि मेरी कोशिश यही है कि अपने दोस्तों को, साथियों को, जानने वालों को फ़ायदा पहुंचे. और वो आदत मुझ में अब भी है और अल्लाह का शुक्र है कि बड़ी अच्छी आदत है. स्कूल में कैसे थे आप? स्कूल As में a student. मैं जी स्टूडेंट बहुत अच्छा था. अच्छा. आई वॉज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट. लेकिन बस वो एक दिमाग में खन्नास बैठ गया था कि जी हमारे अब्बा की तबीयत ठीक नहीं है और हमको कहाँ से पढ़ाएंगे और इतनी मेहनत करते हैं ये वो. तो पढ़ाई से दिल उचाट हो गया. लेकिन मैं था बड़ा ब्रिलियंट स्टूडेंट. अब आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि मेरा ख्याल है 14 साल या 13 साल की उम्र में विलियम शेक्सपियर का प्ले हमने किया था, मर्चेंट ऑफ वेनिस. And I played the main character of that play, which was Shylock. तो वो मैंने वो रोल किया था और मुझे उसमें फर्स्ट प्राइज एज एन एक्टर मिला था. तो वो मेरा एक तरह से डेब्यू था, और जिसमें यूँ समझ लीजिए मेरे टीचर्स ने मुझ में ये टैलेंट हंट किया कि इसमें ये कैपेसिटीज़ हैं एक्टिंग की. जी तो बचपन से आपको शौक था एक्टिंग का? मुझे कोई शौक नहीं था. मतलब ये कि हम तो उन लोगों में से थे. देखिए बात ये है, अब जो दौर है वो कंप्यूटर एज है. जी. मतलब कॉनकॉर्ड्स हैं, सुपरसोनिक्स हैं, अब तो वो दौर है. हम जिस दौर में थे उस दौर में क्या था, मतलब कुछ भी नहीं था. बच्चा पैदा होता था, अल्लाह माफ़ करे, पैदा हुआ वो एक बिस्तर के ऊपर एक वो डोरी से एक झुंझ वो खिलौना बांध देते थे, उसमें चाबी भर दो, टिंग 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 टिंग, तो बच्चा सिर्फ यूं 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 देखता रहता था. तो हम उस दौर की पैदावार है. अब तो बच्चे जो हैं वो कंप्यूटर से खेलते हैं, वो ईमेल्स करते हैं एक दूसरे को. तो हमारे दौर में तो ऐसी कोई चीज़ थी नहीं. क्या आपने सवाल क्या किया? अच्छा, था अच्छा दौर नहीं था वैसे. आ? अच्छा दौर नहीं था. हाँ, मासूम दौर था और वो इनोसेंस थी उस एज में, यानी उस एरा में इनोसेंस था. ठीक है. अब इनोसेंस खत्म हो गया है. बचपन में क्या सोचा था कि जब बड़े होंगे तो क्या बनेंगे? हाँ जी एग्जैक्टली ये सवाल की तरफ आपके वापस आता हूँ कि आपने कहा कि क्या बनेंगे, क्या ऐसा कुछ भी नहीं था, कोई सोच ही नहीं थी और कुछ पता ही नहीं था कि हम क्या करेंगे बड़े हो के. जब तालीम मैंने छोड़ दी तो बहुत मेरे वालिद ने बहुत मुझे समझाया कि मैं अपने आप को बेच दूंगा, तुम पढ़ लो. मैंने कहा मैं ऐसी पढ़ाई पढ़ना ही नहीं चाहता जो मैं अपने माँ बाप को बेच के पढ़ूँ. उन्होंने बहुत समझाया. मैंने कहा देखिए ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है और वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू है कि मैं खैर बहरहाल पढ़ाई से दिल उचाट हो गया सिर्फ इस वजह से कि घर के हालात ठीक नहीं थे. तो आई थॉट दैट आई शुड वर्क एंड आई बीइंग द एल्डेस्ट ऑफ माय फैमिली आई जंप्ड लिटरली जंप्ड इनटू द प्रैक्टिकल लाइफ विद एन आइडिया टू सपोर्ट माय फैमिली. एंड आई एम सो वेरी ग्रेटफुल टू अल्लाह सुभान व तआला दैट आई एम अ वेरी स्पेशली ब्लेस्ड पर्सन. I simply
do not understand and I cannot explain it to you my way, that how did it happen, how the everything happened with me in the life. Yani it is like a miracle. कि वो किसी ने यूं कर दिया, ऐसे हुआ और हो गया, और यूं चाहे चुटकी बजाए हो गया. तो ये अल्लाह ताला की ब्लेसिंग्स ही हैं. मुझे ना कोई जान पहचान थी इस शो बिज़नेस में, ना मुझे शो बिज़नेस का मतलब मालूम था, ना मैंने कभी ये सोचा था कि मैं शो बिज़नेस में आऊँगा, और कुछ भी नहीं पता था, इसके प्रोटोकॉल्स का इल्म नहीं था, कुछ नहीं था. लेकिन अल्लाह ताला ने जिस तरह से मुझे मेरी रहनुमाई की, तो मैं हमेशा सबसे ये कहता हूँ कि आई एम अ वेरी स्पेशली ब्लेस्ड पर्सन. आई एम सो ग्रेटफुल टू अल्लाह सुबहाना ताला, एंड आई एम ग्रेटफुल टू ऑल दोज पीपल हु केम इन टू माई लाइफ एंड हु हेल्प मी. किसी भी कैपेसिटी में जिसने भी हेल्प की है, मेरी मदद की है, मैं उसका शुक्रगुजार हमेशा रहता हूँ और अभी भी हूँ. जी, 6th of September 1966 ऑन पाकिस्तान डिफेंस डे, दैट वाज योर फर्स्ट परफॉर्मेंस. जी जी. नर्वस थे आप? बहुत. अच्छा. नर्वस से मुराद ये, आई वॉज नर्वस अबाउट द कॉन्टेंट. ठीक है. कि सुनाऊंगा क्या, बिकॉज आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड, आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट, एंड आई नेवर हैड अ सीक्वेंस कि जी इसको अभी ये बोलना है. अभी आई यूज टू बी अ वेरी गुड डिबेटर. आई यूज टू टेक पार्ट इन इंटर स्कूल डिक्लेमेशन कॉन्टेस्ट एंड दीज डिबेट्स एंड ऑल, सो आई नेवर हैड दिस स्टेज फ्राइट. So I was very confident as far as my appearing on stage was concerned. So I went on stage after my announcement, and the youngsters, and you see, youngsters are youngsters, whether from that time or this time or this time or the time which are going to come, the youth are the same. We are very energetic and very lightful, very bright, brilliant, and very enthusiastic. And so they started commenting on me. Bachcha hai, bachcha hai, amma se pooch ke aaya tha. I was 15 years old. Oh, yes, I was 15 years old. And then I waited for a few minutes for the rowdyism to subside, and then I said, look, I know that I am not an actor, I am not a artist or whatever, this is for the first time I am doing this. So you give me a chance, I am a student too, and you are my fellow students, you are my brother's students, so give me some time. If I am not good, you have all the right to just throw me back from the stage. They said, all right. Few leader kind of students got up and said, oh, better. And then I started, and it was absolutely out of sequence. Ek aasman ki baat kar raha hu, dusri petrol ki baat, tisri uski. So it was not incorporated properly. And बट टू द बेस्ट ऑफ माई सरप्राइज, लोग इतने वो हुए, इतने के 10 मिनट के बाद जब मैं बोल रहा था, तो देर वॉज पेन ड्रॉप साइलेंस, एंड देवर ऑल मिसमराइज के वॉट इज, बिकॉज यू सी आई स्टार्टेड इम्पर्सनेटिंग ग्रेगरी पैक, डेविड निविन, एंथनी क्वीन, and President Kennedy, and blah blah blah. So it was something very new for the audience. Ke a man coming up with a different kind of a performance, different jokes and all, and doing it nicely and doing it in a decent way. So I was literally taken by a storm. And I took the crowd by storm, and they chanted out once more, that's what it is. And then that was the time, you see, that one appearance did the magic for rest of my life. The first aapko offer kaise aayi, kisne approach kiya? There was some students sitting from another college.
They came at the backstage and they said ke ji, we want you to come in our show which is on Saturday and blah blah blah. अच्छा. So I said अच्छा अच्छा ठीक है. Then they took out some money and gave me as an advance. Wow. That first 5 rupees or 10 rupees, I don't remember. There were 5 rupees or 10 rupees, but I'm sure that I got the advance. And when I got the advance, I was so contented and I was out of my mind that, oh, I've started earning money now. You see, if the reason I gave up my studies, the reason was money to support my family, and I got the first advance of my life. And I was flying up high in the sky. And you have no idea. I never told that to anybody. And I was trying to hide that 10 rupee note. Jee. I used to keep it beneath the pillow and just take it out. Then I used to put it in my pocket, took out from my pocket, then went into the cupboard and opened the cupboard and kept it in a suit and blah blah. As I was doing nonsense, my acts were absolute nonsense. And then. When I did the show, second show, and when I got the money, I remember I got about 20 rupees, 15 or 20 rupees. And then I came and gave it to my mother. My mother said, have you started a job? Yeah. I said, huh, almost I'm doing a job. But it's a night-time job. Okay. Achha, achha, raat ko hota maina, because you see, I had to go in shows in the evenings. In the evenings. So I never had the explanations. So parents expect karte the ki this will be the kind of job that you will do. No, no, no. Then one day somebody said ke tumhara beta to bada talented hai. My father said, talented? Wo na hinjar. Usne apni zindagi kharab kar li, padhai chhod di, kehta ghar ko support karunga. और पढ़ाई छोड़ दी है और देवोर क्या टैलेंटेड होगा. कहने लगे साहब ही इज एन एक्सेलेंट आर्टिस्ट. आर्टिस्ट कहाँ, वो तो मैंने उसको भी परसों किसी कंपनी के शो में देखा था यार, वो तो बड़ा तूफान है. ओ हो अल्लाह माफ करे, वो कौन साहब थे, अल्लाह का भला करे. आई गॉट एन एक्सेलेंट बीटिंग फ्रॉम माई फादर, बहुत मारा उन्होंने. And he said that you have got into this business, तुम हमारी नाक कटवाओगे और फलाना ढिमकाना. Although I don't come from a very well-to-do family, but my father was a mediocre. लेकिन उस वक्त honor but meant you see, something हाँ, different. But yes, you see, he wanted me to study, and he had higher dreams for me. And he used to say that sky is the limit, you keep on working and you. कहने लगे बेटा साइड बाय साइड दोनों भी काम कर सकते हो, यू कैन वर्क एंड यू कैन स्टडी, बट आई वांट यू टू स्टडी. मैंने कहा जी पढ़ने में मेरा दिल तो अब लगता नहीं, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट. उन्होंने बहुत मारा. कहने लगे कि दिस वाज द रीजन यू गेव अप योर स्टडीज, एंड एक्चुअली दैट वाज नॉट दिस द शो बिजनेस वाज नॉट द रीजन. लेकिन फिर खैर अल्लाह ताला की मेहरबानियाँ होनी थी और आई वॉज बाउंड टू get popularity by Allah subhanahu wa ta'ala. So, jisko Allah ta'ala dena chahta hai, usko kaun rok sakta hai? उसके बाद कैसे ग्रेजुअली इम्प्रूव हुआ, फर्स्ट परफॉर्मेंस, सेकंड, पहले यूनिवर्सिटी शोज से, और व्हेन वाज योर रियल टाइम परफॉर्मेंस जो पहली बहुत ज़्यादा पब्लिक के सामने हो? देखिए पब्लिक के सामने तो मेरी अल्लाह का शुक्र है बहुत सारी परफॉर्मेंसेस हुई, बट आई हैड टू फेस ग्रेट एम्बैरेसमेंट व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन टेलीविजन. आई वॉज रिकमेंडेड टू मिस्टर अमीर इमाम, सैयद अमीर इमाम,
the one-time PTV producer and retired as one of the directors of PTV. I was introduced by Santosh Russell to him, and she said that Moeen is an excellent stage actor, artist, and he's very good at his stand-up comedy. So why don't you try him and let him act as well? Let us explore this quality of his. So at that time I used to do impersonations. So I started talking in Vahid Murad Saab's voice and then Muhammad Ali, because I never had a practical experience of acting. I never faced a camera before. That was for the first time ever I faced the camera. This was in 1967. And the kind of language was used by Sayyed Amir Imam, it was disgusting and it was totally embarrassing. And he said, if we need Muhammad Ali, we'll call him. If we need Vahid Murad, we'll call him. If we need Larry, we'll call him. We want you to do what you are. I said, sorry sir, I'm so inexperienced, I cannot do this. I cannot do your way, I can do it my way. तो उस वक्त impersonation का जो है मतलब नहीं पता था सबको. It was something so unique that actually you were unique. And you see, they impersonation have never been recognized as an art. Exactly. ठीक है. ठीक है. अब I used to do impersonations, but not anymore. जी. You see, I do impersonations now as fun, but I don't do it as a profession. I do it in a different way. Now I play characters, and the characters, alhamdulillah, I have played, like my present program which is being aired for the past 6 years now, Loose Talk. Usme I have disguised myself into how many characters? 300 340 or 338 characters. Individualization kaise karte hain har character ke saath? I mean, how can you be so different, and you have been in each of your character? Dekhiye, I used to hear this word God gifted. So I used to say ki ji har aadmi ye bol deta hai God gifted hai, beshak God gifted hi hota hai sab kuch. And what is God gifted thing that I understood by performing Loose Talk? Yani every week Anwar Maqsood writes a different topic. And you see, I am never given a script even a day before recording. It is at the spur of the moment. He brings it there at the 11th hour and says ki ye karna hai. To ab wo usko wahan padhta hu main, padhne ke baad tone uska tempo set kiya, kaise bolna hai, makeup ka acha ye laga lete hain, ya kahan ki kar lete hain, ya fringe beard laga leta hu, idhar ye kar deta hu, idhar ek scar dal leta. To wo karte 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 wo abhi to Allah ka shukr hai, इतने सारे कर लिए. और जब मैंने उनको देखा, आदमी को अपने किए काम की तारीफ नहीं करनी चाहिए, लेकिन मुझसे जब लोगों ने इतनी तारीफ करते थे, तो अब मैंने उसको बैठ के ध्यान से देखा. ठीक है. और मुझे अल्लाह ताला पे बहुत प्यार आया, अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने मुझे इतनी सलाहियत दी है कि मैं ये सब कुछ कर सका. और एट द ट्वाइलाइट ऑफ माई करियर आई थिंक आई हैव प्लेड एन एक्सेलेंट इनिंग. आपके पेरेंट्स ने कब वो चीज एक्सेप्ट की फाइनली दैट यू आर एन आर्टिस्ट? वो दिस इज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. फाइनली ही हैड टू एक्सेप्ट इट दैट आई एम एक्टर नाउ, आई एम इन शो बिजनेस. सो देन ही यूज्ड टू हैव फुल क्वेरीज फॉर मी, किधर गया था, किधर आया, क्या किया, वो किया, व्हाट इज द टाइम, इज दिस द टाइम टू कम होम एंड ब्ला ब्ला. फाइनली स्टार्टेड कॉम्प्रोमाइजिंग. And he compromised to a level where he just kept quiet, and he was an excellent observer. He is an excellent observer. Alhamdulillah, I love them and they love me. And what I am today, I am because of their prayers as well. And so I was doing a show for President Zia. So कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा आई एम गोइंग टू द शो फॉर प्रेसिडेंट. तो कहने लगे कि अच्छा, मैं भी चलूँगा. मैंने कहा जी वो तो बड़ा सिक्योरिटी वगैरह वो है, उन्होंने पहले से उसके दावतनामे और वो करके दिए हैं.
तो मुझसे कहने लगे तुम्हें कौन रोकेगा. सो आई कुड फील द प्राइड ऑफ अ फादर जी यू आर अ नोन मैन हु इज गोइंग टू स्टॉप यू. आई सेड नहीं ऐसा नहीं है, देर इज अ लॉ एंड वी शुड अबाइड द लॉ एंड आई एम अ गैलेंट एंड वर्दी सिटीजन आई शुड. तो मैंने कहा आई स्पीक टू द कंसर्न अथॉरिटीज एंड लेट मी सी इफ दे कैन इशू मी अ पास. दो द टाइम वॉज वेरी शॉर्ट बट आई कॉन्टेक्टेड देम एंड दे सेड मोइन अख्तर साहब योर फादर इज मोर देन वेलकम एंड नो प्रॉब्लम वील इंटीमेट वी डोंट हैव टाइम टू मेक ऑल दोज व्हाट यू कॉल पासेज एंड ऑल. सो बट वील दे इन्फॉर्म द फोर्सेज. तो पहली परफॉर्मेंस अपने फादर के साथ थे आप? नहीं, उनको दिखाया. सो देन आई सेड टू प्रेसिडेंट, मैंने कहा सर माय फादर इज आल्सो ग्रेसिंग द. सो प्रेसिडेंट वाज सिटिंग एंड देन द मिलिट्री द एडीसी केम टू मी एट द बैक स्टेज एंड सेड प्रेसिडेंट वांट्स टू टॉक टू यू. सो आई हैड टू वॉक इन एंड देन आई तो ही गॉट अप. Yes, I was very nice to us, to the all the artists, in fact. And he said के भाई बहुत खुशी होती है. तो मैंने कहा सर माई फादर वॉन्ट्स टू मीट यू इज. तो ही वॉज इन थर्ड रो. तो ही सेड प्रेजेंट साहब वॉज ट्राइंग टू गो टू हिज सीट. देन अब्बा आगे बढ़े तो उन्होंने मेरे अब्बा से कहा कि भाई आपके साहबजादे जो हैं वो तो बड़े टैलेंटेड आदमी हैं. सो हैप्पी. But then one day when he got the news that I have received the President Award for the Pride of Performance, he was very happy, very, he was full of joy and happiness. And then when I got the Sitara Imtiaz, then my mother said that he was all with tears in his eyes and he said, Ke Allah ne dekho usko kitni izzat di hai. और अब वो कहते हैं अल्लाह तुम्हारी इज्जत में और इजाफा करे, अल्लाह तुम्हारी शोहरत में और इजाफा करे, तुम्हारी सलाहियत में और इजाफा करे. आजकल यूथ में हमने एक डिप्रेशन का एलिमेंट पाया है. एवरीवन इज फ्रस्ट्रेटेड, एवरीवन डज नॉट नो व्हाट टू डू, वेयर टू गो. यूथ को ये भी नहीं पता कि बड़ों के लाइक हमें क्या करना है, किस डायरेक्शन में जाना है. जिससे भी बात करें वो यही कहते हैं कि हमने पढ़ना है और बाहर जाना है. What is the thing required to eliminate that element of frustration in the youth? देखिए बात उनकी बात भी ठीक है नौजवान नस्ल की कि माँ बाप इतना सब पैसा लगाते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, किस लिए सब करते हैं? इसलिए करते हैं कि उनकी औलाद पढ़े लिखे, जिंदगी में कोई मकाम हासिल करे, कुछ काम करे, और इसी तरह से फिर उसकी आने वाली नस्ल उसको देखे और उसको अपना रोल मॉडल बनाए. जब वो पढ़ लिख के प्रैक्टिकल ज़िंदगी में दाखिल होता है तो उस पर हर चीज़ के दरवाज़े बंद हो जाते हैं, नौकरी के, आगे बढ़ने के, सलाहियत के. हम कैसे लोग हैं, हम में कोई चीज़ क्या चीज़ ठीक है हम में, मुझे आप बताइए. यानी मुझे ये कहते हुए अच्छा तो नहीं लगता क्योंकि मैं इस मुल्क का एक रहने वाला हूँ, लेकिन मैं इसलिए कहूँगा कि मुझे इस मुल्क से बहुत मोहब्बत है जे. मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मुल्क ने मुझे क्या दिया. मैंने हमेशा ये सोचा कि मैंने अपनी कैपेसिटी में अपने मुल्क को क्या दिया है. तो मुझे अंदाज़ा होता है कि मैंने लोगों को खुशी दी, मैंने लोगों को कह दिए, मैंने लोगों के दुख और तकलीफ़ों को शेयर किया मैंने. और लेकिन हम हर शोबे में हम बेईमान हैं. क्यों हैं? तालीम का शोबा, उसमें सिफारिश और सियासत है, सियासत के अंदर सियासत है, और रिश्वत हम लेते हैं, बेईमानी हम करते हैं, झूठ हम बोलते हैं, दूसरों को तकलीफ़ हम देते हैं, दूसरों के मालों पे कब्ज़ा कर लेते हैं, यतीमों का माल खा जाते हैं, गरीबों को तकलीफ़ देते हैं, मिस्कीन मुसाफिर मोहताजों को उनका हक नहीं देते, किसी की मदद नहीं करते, अपने लिए सब जमा करके रखते हैं, अपने से आगे नहीं सोचते. तो आप ये देखिए ऐसे माशरे जो हैं वो अगर आप इतने बुरे हो रहे हैं जिस तरह से नज़र आ रहा है आपको, तो अगर आप कुरान शरीफ पढ़ें तो उसमें जो कौमें अल्लाह ताला के अहकामात को नहीं मानती और जो इन सब चीज़ों में नाफरमानी में जब बहुत आगे चली जाती है तो अल्लाह ने कहा है
मैं ऐसी कौम को तबाह कर देता हूँ और फिर उनकी जगह दूसरे लोग ले आता हूँ। अल्लाह कहता है कि मेरे लिए ये काम कोई मुश्किल नहीं है। तो हमको अपने आप पे जो जो लखपति है वो करोड़पति होना चाहता है, जो करोड़पति है वो अरबोपति होना चाहता है, जो अरबोपति है वो उससे ज़्यादा पैसे वाला होना ये तो चाहता है। पूरी दुनिया में हो रहा है। नहीं, पूरी दुनिया में एक सलीके और एक तरीके से हो रहा है। ठीक है, एक आदमी जिसकी तनख्वाह 12,000 रुपये महीना है, उसके घर के अखराजात 80,000 रुपये के हैं, ये कौन सी साइंस है आप मुझे बताइए कि सही। वो उसको पूरा करती होगी? और यहाँ 60% लोग ऐसे हैं जिनकी तनख्वाहें इतनी हैं, लिमिटेड हैं, और उनके अखराजात जो हैं, तो फिर क्या करते हैं आप? शॉर्टकट्स मारते हैं, सही, शॉर्टकट्स मारते हैं। और एक बात बिल्कुल। याद रखिए, देखिए, अगर आपने अपनी औलाद को हराम खिलाया ना, हराम, बेईमानी, चोरी, चकारी, इन सब चीज़ों से, लूट के, ये सब चीज़ों से खिलाया, तो वो आपके पास वो सारा वैसे ही निकल जाएगा। आप देखिए, कभी जमा करके नहीं रख सकता वो। अगर उसके पास रहेगा, जमा भी होता है, तो एक डिज़ास्टर होगा और सब ख़त्म हो जाएगा। तो हमको ठीक होना चाहिए, हम इंसान हैं, जानवर नहीं हैं, हमको सही होना चाहिए। हमको इसलिए दुनिया में नहीं भेजा है कि हम दूसरे के हुकूक मारें, छीन लें लोगों को। 1200 रुपये, 800 रुपये के एक मोबाइल के लिए एक जान ले लेते हैं हम। कभी वो तन्हाई में बैठ के वो सोचते नहीं होंगे कि एक इंसान की जिंदगी, जब वो पैदा होता है तो वो गोश्त का लोथड़ा होता है, फिर वो इंसानी फॉर्म में आता है, फिर वो दुनिया में आता है बेसहारा, बेबस। माँ उसको 9 महीने पेट में रखती है, पालती है, फिर वो गर्म सर्द का मुकाबला करता है और बड़ा होता है, चोटें लगती हैं, धूप है, बारिश है, और फिर एक आदमी उसको एक 500 रुपये के मोबाइल के लिए इतनी तकोदौ से पलने वाले बच्चे को गोली मार के चला जाता है। अल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। आप मुझे बताइए, ये क्या जुनून है? मेरे पास क्यों ये अल्फाज नहीं क्यों है। क्यों भूल गए हैं? देखिए ना, क्यों भूल गए हैं कि एक दिन अल्लाह ने कहा है ना कुरान में कि जाओगे कहाँ तुम? आओगे तो तुम मेरे पास ना। और फिर अल्लाह ने कहा है कि मैं तुमको सब बता दूंगा कि तुम क्या क्या करते थे। और कुरान में है, किसी एक बेगुनाह इंसान का कत्ल, आई कोट कुरान, किसी एक बेगुनाह इंसान का कत्ल ऐसे है जैसे तुमने पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया। और एक जगह अल्लाह ने फरमाया, और अगर किसी एक बेगुनाह की जिंदगी बचाई, गोया तुमने पूरी इंसानियत को बचा लिया। आर वी ट्रू ह्यूमन बींग्स? आर वी ट्रू मुस्लिम्स? हम क्या हैं? हम हैं क्या, पहले तो ये बता। हमें तो नहीं, मुझे तो नहीं समझ रहा। आने वाली सड़क से जा रहे होते हैं, जाने वाली सड़क से आ रहे होते हैं, पान खाएंगे, बाहर मुंह निकालेंगे, पच करके थूक देंगे, कुछ बोलो तो कहते हैं कौन सा तुमका थूक दिया। ये क्या कौम है ये? अल्लाह माफ करे, अल्लाह रहम करे। बस 11 फुट सतह समंदर से नीचे है कराची। एक बाढ़ आ गई ना तो पता भी नहीं चलेगा कि कभी यहाँ कोई रहता था। और पढ़े कुरान, ऐसी सारे ऐसी बस्तियां अल्लाह ने तबाह कर दी, या आसमान से अजाब भेजता है या जमीन से अजाब भेजता है। क्या करना चाहिए, कुछ नहीं, गाइडेंस कहाँ से अपने आप आएगी? को ठीक करे आदमी, अपने आप को ठीक कर ले। हम अपने आप को ठीक रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आजकल क्या करना चाहिए जो कुछ हालात नहीं, हैं? कुछ नहीं। देखिए, ये बेसिक ट्रेनिंग, आप अपने बेसिक जो सीखने वाली जो जगह है, द ओनली प्लेस वेर यू स्टार्ट लर्निंग इज योर सेल्फ। ओन सेल्फ एंड आपका अपना घर जहाँ से आप सीखते हैं, ठीक है, ठीक है? ठीक है उसके बाद फिर आपके टीचर्स हैं, असातिज़ा हैं, उस्ताद हैं, आपके दोस्त हैं, फिर वो लोग जो अरबाब इख्तियार हैं। हमारे अरबाब इख्तियार लोगों का क्या वो है? आप आजकल जो सियासत में जो लोग हैं, ये सारे लोगों को देख लीजिए, टेलीविज़न पे बैठ के वो जो गुफ्तगू करते हैं, जो जो एक दूसरे के लिए ज़बान इस्तेमाल हो रही है, ये इसमें क्या डिसेंसी है? क्या सीखेंगे इनसे? सही। आप क्या सीख सकते हैं इनसे? मैंने तो खुदा का शुक्र है, मैंने इनसे कुछ नहीं सीखा, इन लोगों से। आपने कहाँ से सीखा जिंदगी में? मैंने अपने बड़ों से सीखा और अच्छे बड़ों से सीखा। मैं उठा बैठा बड़े बड़े अच्छे और पढ़े लिखे लोगों में, जो बताते थे कि कमिटमेंट को ऑनर करना चाहिए, जो ये बताते थे कि अपने मफाद से ज़्यादा अपने मुल्क के मफाद को जहन में रखना चाहिए, वो ये मुझे बताते थे कि छोटों से अच्छा सलूक करो, वो ये बताते थे कि अपनी नज़रों में शर्म हया रखो, वो ये बताते थे कि
कि फजूल खर्ची ना करो, वो ये बताते थे कि पढ़ो इसको इस तरह पढ़ते हैं। हमें तो बहुत कुछ, और अल्लाह का शुक्र है हम। और दूसरी बात ये कि हमारे ब्लड में, मेरे ब्लड में तो ये है सीखने वाला कि मुझे एक नया बच्चा भी कल कोई चीज़ सिखाएगा और अगर वो सही बात है, अच्छी बात कर रहा है, तो मैं उसकी बात को सुनूंगा। कहीं पे मैंने पढ़ा था आपके बारे में कि द रीज़न फॉर योर सक्सेस इज योर फ्लेक्सिबिलिटी टू एक्सेप्ट चेंज। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम वेरी फ्लेक्सिबल। आई डोंट इम्पोज माई व्यूज टू एनीबडी कि नहीं जी ये करना है। आई जस्ट लीव अ पॉइंट फॉर एवरीबडी टू थिंक कि जी देखिए ये है, क्या हम ठीक चल रहे हैं। अगर पाकिस्तानी नौजवानों को आप अपनी नज़र में रखें इस वक्त, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे, वो किस तरफ जाएं? मैं एक बात उनको सबको ये समझाना चाहता हूँ कि जज्बाती फैसले ना करें, जो भी काम करें उसको सोच समझ के करें। ठीक है। जो पहली चेंज आनी चाहिए नौजवानों में वो ये कि सही लोगों को मुंतखब करें, जो पार्लियामेंट में जाएं और पार्लियामेंट में बैठ के वो करें। जब आपने सड़कों पे ही निकल आना है सब ने, तो फिर पार्लियामेंट की क्या ज़रूरत है? शट डाउन करें, ताला डालें इस पार्लियामेंट के अंदर। लेकिन ऐसा भी तो होता है कि सही लोग पार्लियामेंट में जाके ख़राब हो जाते हैं। That is another thing. You are so right. बिल्कुल ठीक। तो कुछ बुरे जाके अच्छे हो जाते हैं, कुछ अच्छे जाके बुरे हो जाते हैं। आपका ह्यूमर एक पॉजिटिव ह्यूमर है, बहुत क्लासी ह्यूमर है। जी जी। योर ह्यूमर इज़ डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम ऑल द अदर पीपल हु डू एवरीथिंग फॉर ह्यूमर एज वेल। तो ये पॉजिटिव एस्पेक्ट कहाँ से आती है और ये कितनी इम्पोर्टेंट है? देखिए, मैं एक बात आपको बताऊँ, मैं जिन लोगों में उठा बैठा जी, उनमें कुरैशपुर साहब जी, उनमें उबैदुल्ला अलीम साहब, उबैदुल्ला बेग, जॉन एलिया और शबनम रुमानी साहब और अहमद हमेश और यानी इस तरह के इफ्तिखार आरिफ और ऐसे पढ़े लिखे लोगों की, इकबाल सफ़ीपुरी, इन लोगों की सोहबत रही तो इनसे बहुत सीखने को मिला। क्योंकि ये देखिए, जब मजाक भी करते हैं तो बड़ी शुस्तगी से और बड़ी शाइस्तगी से, यानी और ऐसे फ़िक्रेबाजी करते हैं, ऐसे फ़िक्र कहते हैं कि वो सुन के दिल खुश हो जाता है। यानी एम्बेरसमेंट नहीं होती बल्कि दिल खुश होता है। तो अब देखिए, दो बड़े आदमी जुमलेबाजी कैसे करते हैं। जोश मली आबादी साहब, उनकी सादिकैन साहब की पेंटिंग देखने के लिए गए, बहुत इसरार किया सादिकैन साहब ने, तो बुला लिया उनको कि आप आइए जोश साहब। जोश साहब ने कहा चलिए मैं हाजिर होता हूँ। उस ज़माने में वो एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग करते थे, तजरीदी आर्ट। ठीक है। तो तजरीदी आर्ट समझने के लिए भी एक जहन चाहिए होता है, क्योंकि उन बिखरे हुए रंगों में आपको वो पेंटर की जहनी कैफियत का अंदाज़ा लगाना होता है कि इसके जहन में क्या चल रहा था जिस वक्त उसने ये पेंट किया, ये किस चीज़ की अक्कासी कर। तो जोश साहब देख रहे थे। अब जोश मली आबादी और सादिकैन, दो अपने अपनी फील्ड के हाथी, तो उन्होंने देखा उनका एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग और कहने लगे भाई सादिकैन माफ़ करना, ये तुम्हारी पेंटिंग हमारी समझ में नहीं आई। अच्छा। तो उन्होंने जोश मली आबादी से को जवाब दिया कि सर, जब मैं 7 बरस का था तो मुझे भी आपके शेर समझ में नहीं आते। अब देखिए कैसा मजाक होता है, क्या बात है। जैद बुखारी साहब, और बुखारी साहब से भी कई मुलाकातें रहीं, अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे, असलम अज़हर साहब, ज़िया मुहिद्दीन साहब, आपकी टीम जो है ऐसे लोगों, और फिर
फिर उसके बाद फिर अनवर मकसूद जैसे लिखने वाले से फिर दोस्ती हुई 34-35 साल पहले। अनवर का ह्यूमर भी बड़ा ज़बरदस्त होता है, विट हाँ बहुत पन होता है उसमें, बड़ी काट होती है। ठीक है। और एट टाइम्स इज लिटिल डेंजरस एंड अनप्रेडिक्टेबल विट इन अ वेरी सटल वे एंड इन अ वेरी हिडन वे। तो वो किया तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे अच्छे पढ़े लिखे लोगों के दरमियान मैं रहा तो उनसे बहुत सीखने को मिला, उठना बैठना, एक दूसरे को मुखातिब करना, बस यही है। कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी वो नहीं सीखा हमने, लेकिन जितना भी सीखा उस पर अगर अगर नादिम नहीं है, अगर खुश नहीं है तो नादिम भी नहीं है, ऐसी बात नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। मैसेज टू द यूथ ऑफ पाकिस्तान, लगे रहो, ठीक है, मेहनत करते रहो और ख्वाब देखना बंद नहीं करना कभी। ठीक है, ख्वाब जरूर देखना चाहिए और ख्वाब की ताबीर कभी ना कभी मिलती है। सही। जैसे अल्लामा इकबाल ने एक ख्वाब देखा और उस ख्वाब की एक ताबीर मिली और वो ताबीर कायदे आजम की अनथक मेहनतों से ये मिला पाकिस्तान। और ज़रा गौर करने की बात है कि वन स्किनी मैन हु स्टूड अगेंस्ट द एंटायर ब्रिटिश एम्पायर बाय हिमसेल्फ विदाउट फायरिंग अ बुलेट ही गॉट पाकिस्तान। तो हमारे यहाँ भी पता नहीं बहुत से कायदे आजम होंगे मुस्तकबिल के, बहुत से अल्लामा इकबाल होंगे। बात यह है कि सुबह का इंतज़ार करना चाहिए, हर रात के बाद सवेरा ज़रूर आता है, हर तकलीफ़ के बाद आसानी ज़रूर आती है, हर गम के बाद खुशी ज़रूर आती है, हर धूप के बाद साया ज़रूर आता है और हर आज के बाद कल ज़रूर। ने जितनी बातें की मेरे पास शुक्रिया करने के भी अल्फाज नहीं है। नहीं, कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस हियर टुडे। बहुत शुक्रिया। एंड आई होप एवरीवन देयर इज एज इंस्पायर्ड एंड मोटिवेटेड एज आई एम। और दिस इज अ मैसेज टू द यूथ ऑफ पाकिस्तान, प्लीज डू नॉट लूज होप, स्टे विद अस इन अचीवर्स। अगले हफ्ते तक के लिए मरियम आरिफ को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।